क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स शोइंग ऑल वर्किंग एंड विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर सॉल्व द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस 2√6 जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिविंग योर आंसर इन एक्स प्लस आयोटा बाय in the form x plus iota y where x and y are real and exact। ये quadratic equation है, यहाँ पे इस question में हमने calculator use नहीं करना। इस quadratic equation से दो values of x z आएंगी, वो complex numbers आएंगे दो, उनको हमने x plus iota y form में लिखना है। तो so we will use here quadratic formula। इक्वेशन इज जेड स्क्वायर प्लस 2√6 जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जेड इज इक्वल टू, यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहां पे जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, दिस इज ए, और बी इज 2√6 एंड सी इज 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होल डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पे वेरिएबल z आ रहा है तो यह a होगा 1 और z का कोएफिशिएंट 2√6 दैट इज b एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज c। तो वी विल यूज दिस फार्मूला हियर to get two values of z। So z will be equal to minus b plus minus b square, b square minus 4ac whole divided by 2a, a is 1, तो so यहाँ 2 आएगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, z इज इक्वल टू माइनस 2√6 प्लस माइनस, इसको सिंपलीफाई करेंगे 2√6 होल स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 तो 24 होता है, इसकी वैल्यू 24 आएगी, ये 8 4 32, तो सो वी गेट 24 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2, 24 माइनस 32 माइनस 8, तो वी गेट z इज इक्वल टू माइनस 2√6 प्लस माइनस माइनस 8√, ये इमेजिनरी नंबर आ गया है, ओवर 2, तो 8√2 जो होता है कैलकुलेटर से 8√ जो होगा ये 2√2 होगा, तो कैलकुलेटर से मिलेगा 7 माइनस 8 का मतलब होगा माइनस 8√ को लिखेंगे माइनस 1 × 8√, तो माइनस 1 के ऊपर अलग √ होगा, 8√ अलग होगा, 8√ तो हमारे पास हो गया 2√2 माइनस 1√ का मतलब होता है आयोटा स्केयर नहीं, सिंपल आयोटा, और आयोटा की वैल्यू होती है माइनस 1√। तो सो यहाँ पे माइनस 8√ आ जाएगा 2√2 आयोटा। तो सो वी कैन राइट जेड इज इक्वल टू माइनस 2√6 प्लस माइनस 2√2 आयोटा ओवर 2। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2, यहां से राइट साइड 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 विद इन ब्रैकेट माइनस 6√ प्लस माइनस 2√ आयोटा ओवर 2, ये 2 जो है ये कैंसल आउट हो जाता है डिनोमिनेटर के 2 से, तो वी गेट जेड इज इक्वल टू माइनस 6√ प्लस माइनस
under root 2 iota, there are two values of z. तो इसको हमने लिखना है इस फॉर्मेट में, x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट बाद में. तो सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ z, z विल बी माइनस सिक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट टू आयोटा. एक z की वैल्यू ये आ गई है और दूसरी z की वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट आयोटा. दीज आर टू वैल्यूज ऑफ z. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके हमारे पास दो रूट्स आए हैं और दोनों ही कंजुगेट फॉर्म में है. तो नेक्स्ट इज स्केच एन ऑर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स. ये रूट्स हैं हमारे पास दो. इन रूट्स को जो दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने उसे ऑर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है. ऑर्गन डायग्राम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स डायग्रामेटिकली. इसके लिए पहले हम बनाएंगे, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं पहले, रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस. एक्स एक्सिस रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस ओरिजिन. नो द पॉइंट्स आर, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होंगे? हम उनको यूं लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम एक z की, इनको z1 z2 कह सकते हैं हम. z दिस इज z1 एंड दिस इज z2. तो z1 जो है इसको हम a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट होगा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होगा, उसको a के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं माइनस सिक्स अंडर रूट टू. और b पॉइंट क्या होगा? z2 को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z पॉइंट बी कह लेते हैं, z2 को. तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट. इनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. लेट माइनस सिक्स अंडर रूट जो है वो यहाँ पे हो सकता है माइनस सिक्स अंडर रूट, और अंडर रूट टू जो है ये y की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है. This diagram is not drawn to the scale. टू अंडर रूट हम यहाँ पे ले लेते हैं और पॉइंट क्या होगा? माइनस सिक्स अंडर रूट एंड पॉजिटिव अंडर रूट टू. तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट इज हेयर. तो सो दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज ए. अब हमने ओरिजिन से ये इसको ज्वाइन कर देना, एक लाइन बना देंगे और दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट. माइनस सिक्स अंडर रूट तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन माइनस टू अंडर रूट जो है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज माइनस टू अंडर रूट, इसको भी हम दिस पॉइंट पॉइंट विल बी हेयर माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री. द पॉइंट बी विल बी हेयर, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं. तो दिस पॉइंट इज पॉइंट बी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द ऑर्गन डायग्राम. नेक्स्ट इज पार्ट थ्री,
पार्ट थ्री इज द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स आर ए एंड बी. ये देखिए हमने ए और बी से उनको रिप्रेजेंट कर लिया है ऑलरेडी. एंड ओ इज द ओरिजिन, फाइंड द एंगल ए ओ बी. हमने एंगल फाइंड करना है ए ओ बी. हम वही डायग्राम यूज कर सकते हैं. ए ओ बी हमने ये एंगल फाइंड करना है. ए ओ बी, ए ओ बी इज दिस एंगल ए ओ बी. इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? आर्गुमेंट ऑफ दिस, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो वो एंगल कौन सा होगा? आर्गुमेंट एंगल को कहते हैं. पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे, फिर हम इस एंगल को माइनस कर देंगे इसमें से, तो वी विल गेट दिस एंगल. तो ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं? ये आर्गुमेंट है ऑफ बी, दिस आर्गुमेंट इज ऑफ ए. इन ए और बी को हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे, इनके आर्गुमेंट्स हैं ये. आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए, तो वी विल गेट दिस एंगल. तो जब हम इनको हम सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके लिए मेथड हम यूज कर सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लें, तो वो हमारे पास डिवाइड करके जो फाइनली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आर्गुमेंट फाइंड कर लेंगे, वो हमें ये एंगल दे देगा. तो सो इसको हम यूं करते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट जेड वन हमने ले लिया है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड वन इज, ये देखिए हमें पहले ही हमने उसको जेड वन और जेड टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है. लेट जेड वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट आयोटा, एंड जेड टू इज माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट आयोटा. अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, जेड टू माइनस जेड वन, क्योंकि इसको हमने जेड टू लिया है माइनस जेड वन, तो ये एंगल आ जाएगा. तो जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू ओवर जेड वन इज इक्वल टू सिक्स अंडर रूट माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट टू आयोटा ओवर माइनस सिक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट टू आयोटा. इसको करेंगे हम रियलाइज. रियलाइज का मतलब है कि हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रियलाइजिंग. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो रियलाइजिंग मीन टू रिमूव आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर. उसे कैसे करेंगे? ये प्रोसेस होता है, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका लें कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा ये, आयोटा का साइन चेंज कर देना है, आयोटा वाली टर्म का उसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देना है. तो सो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट टू आयोटा डिवाइडेड बाय सेम ये. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सो हमारे पास ये एक सिंप्लीफाई करके एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जेड टू और जेड वन विल बी ये सेम है. तो हम इसको स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट आयोटा होल स्केयर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये साइन प्लस का है और ये माइनस का है. तो हम यूज कर सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज माइनस सिक्स अंडर रूट होल स्केयर माइनस अंडर रूट टू आयोटा होल स्केयर. इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उसको x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में हम लिखेंगे, तो वहां से हम वो एंगल शो कर सकते हैं.
पहले हम डिनोमिनेटर को सेटल करते हैं, ये आ जाएगा z2 ओवर z1 विल बी माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट आयोटा होल स्केयर ओवर माइनस सिक्स अंडर रूट होल स्केयर विल बी सिक्स। तो यहां पे अंडर रूट टू आयोटा स्केयर मीन टू आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर माइनस वन होता है, तो सो माइनस टू, तो माइनस पहले भी हमारे साथ है, हमारे पास है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सो यो यहां पे हम टू लिख सकते हैं। ये मैंने टू कैसे लिखा है, इसको सिंप्लीफाई किया है, माइनस का साइन यहां से भी आएगा आयोटा स्केयर से और माइनस का साइन पहले भी, तो प्लस हो जाएगा सिक्स प्लस टू, तो सो वी गेट जेड टू ओवर जेड वन इज इक्वल टू, अब हम 6 प्लस टू एट होता है, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे a माइनस ए प्लस बी होल स्केयर, यहाँ पे b केयरफुल दोनों के साथ टर्म्स के साथ माइनस के साइन आ रहे हैं, ऊपर स्केयर है तो माइनस जो होता है वो मर्ज हो जाता है, क्योंकि वही फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि माइनस का साइन जो है ये मर्ज हो जाता है, ये आई मीन कि इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस कॉमन अंडर रूट सिक्स प्लस टू अंडर रूट आयोटा होल स्केयर, इस स्केयर की वजह से ये माइनस जो है खत्म हो गया, क्योंकि माइनस के ऊपर स्केयर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहां इसके ऊपर भी स्केयर है, तो ये माइनस के ऊपर स्केयर आ जाएगा, तो ये माइनस फिनिश हो जाता है, इसके ऊपर ही स्केयर आ जाएगा, तो सो पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे यहां पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सो स्केयरिंग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और जब इस चीज का हमने स्केयर लेना है तो वो आयोटा स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर इज माइनस वन, तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू इंटू अंडर रूट सिक्स ए इंटू बी अंडर रूट टू आयोटा। ओके, डिवाइडेड बाय में आ जाएगा एट, अब ऊपर न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट जेड टू ओवर जेड वन जो है वो आ जाएगा फोर प्लस टू अंडर रूट ट्वेल्व, ये अंडर रूट ट्वेल्व कैसा है, सिक्स अंडर रूट, ये भी सिक्स भी अंडर रूट के अंदर है, टू अंडर रूट सिक्स टू जर ट्वेल्व और ट्वेल्व अंडर रूट आ जाएगा, और साथ इनके आयोटा बी है ओवर एट। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर में से टू कॉमन ले लेते हैं, टू इंटू टू प्लस ट्वेल्व अंडर रूट आयोटा ओवर एट, और एट और ये टू कैंसल आउट होकर फोर आ जाता है, तो वी गेट वन ओवर फोर इंटू टू प्लस ट्वेल्व अंडर रूट जो है ये टू अंडर रूट थ्री आ जाएगा, ट्वेल्व अंडर रूट को कैलकुलेट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगा टू अंडर रूट थ्री, 12 अंडर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट 3, तो सो वी कैन राइट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, यहां से 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, यहां से वो कॉमन ले लेते हैं, 2 ओवर 4 आ जाएगा दैट इज 1 ओवर 2, तो सो वी गेट 1 ओवर 2 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और तो दिस विल बिकम 1 ओवर 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2 को 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 आयोटा, दिस इज जेड टू ओवर जेड वन, ये सिंपल, ये देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू और जेड वन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जेड टू ओवर जेड वन, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड वन वो क्या होगा, ये ऊपर देखें हमने एंगल शो करना है कि ये एंगल क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिस, आर्गूमेंट ऑफ बी माइनस आर्गूमेंट ऑफ ए, वो दोनों एंगल
माइनस हो जाएंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, या हम डिवाइड करके उनको सिंगल बना लिया, आप भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ए ओ बी एंगल क्या होगा, आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो दरम्यान में ए ओ बी एंगल वो आएगा, ए ओ बी एंगल विल बी, ए ओ बी एंगल विल बी टेन इनवर्स आर्गुमेंट ऑफ दिस। एक्चुअली हमें इसका आर्गुमेंट ले रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ दिस विल बी टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ये टू टू से कैंसिल हो जाता है, टेन इनवर्स फाइनली वी गेट टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री। जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से एंगल हमें मिलेगा पाई बाय थ्री, या हम कह सकते हैं 60 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। हमने ए ओ बी एंगल जो है वो फाइंड करना था, हमने ए ओ बी एंगल फाइंड कर लिया, दिस इज पाई बाय सिक्स रेडियन में या डिग्री में 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज प्रूव दैट द ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल, ए ओ बी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अब ऊपर डायग्राम में देखें, अब अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, हम ए को बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन ऑल द साइड ऑफ ओ ए बी ट्रायंगल आर इक्वल, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये हमने शो करना है। शो कैसे करेंगे, हम मॉडुलस ले लेंगे इसका, ओ ए का मॉडुलस मीन द लेंथ ऑफ ओ ए, मॉडुलस ऑफ बी लेंथ ऑफ ओ बी को कहेंगे, और ए बी को हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। ये तीनों साइडें हमने शो करनी कि इक्वल है, देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सो हम ओ ए फाइंड करते हैं पहले, ओ ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओ ए जो है वो हमारे पास माइनस सिक्स अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट आयोटा है। ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस लेंथ को कहते हैं, वो आएगा माइनस रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट सिक्स एट अंडर रूट। तो अब हम फाइंड करते हैं ओ बी, इसी तरह ओ बी मॉडुलस क्या होगा, वो मॉडुलस ऑफ माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट टू आयोटा, इसका मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल अंडर रूट, और ये भी हमारे पास एट अंडर रूट ही आएगा। और अब हमने फाइंड करना है ए बी, ए बी क्या है, ए के पॉइंट भी है और बी के पॉइंट्स भी हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हैं, ए पॉइंट भी हमें गिवन है, बी पॉइंट भी गिवन है। तो देखें ए पॉइंट और बी पॉइंट गिवन है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड कर लेंगे, तो ये भी 8 होना चाहिए। अब ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी हमें गिवन है, ये देख रहे हैं आप, ए और बी हमने यहाँ शो किया हुआ है ए बी पॉइंट्स को, दीज आर ए बी पॉइंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में लिखा है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वी गेट डिस्टेंस फार्मूला, ए बी विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर होल अंडर रूट। तो दीज आर सेम, ये कैंसल आउट हो जाता है, अपोजिट साइन है, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा फोर अंडर रूट टू। तो सो इसको सिर्फ हमने ये तो जीरो हो जाता है, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा फोर
अंडर 4 into 2 अंडर रूट, दैट इज 8 अंडर रूट। अब आप देख रहे हैं कि ए बी ओ ए जो है उसका मॉडुलस क्या है, एट मॉडुलस मीन कि उसकी लेंथ ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ भी 8 अंडर रूट है, और फाइनली हमने ए बी की लेंथ भी डिस्टेंस फार्मूला से 8 अंडर रूट फाइंड कर दी है। तो दिस शोज दैट ओ ए लेंथ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बी, दिस शोज दैट ओ ए बी इज अ, दिस शोज दैट ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ ए ओ ए बी हमने शो करना था, ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल।